मुझे विश्वसनीय वर्ड पहले से पता था पर मैं मानती हूँ, थोड़ा माइक थोड़ा नीचे ले, हाँ मैं मानती हूँ कि जब देश भर के क्रिटिक्स एकजुट होते हैं और ये अवार्ड्स इंस्टीट्यूट करते हैं तो इसका कोई तो मतलब होगा, कोई एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश होगा कि जैसे मैंने कहा विश्वसनीय अवार्ड्स होंगे जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, अच्छा कि यू नो कोई और कंसिडरेशंस नहीं होंगे, सिर्फ अच्छा काम, सिर्फ अच्छे काम को यहाँ अप्रिशिएट किया जाएगा। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। आपको कब लगा था पहली बार अवार्ड्स के बारे में एंड आप क्या सोचती हैं? मैंने बहुत बटोरे हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ मैं मानती हूँ कि यू नो इट्स वंडरफुल एज एन इंडस्ट्री टू गेट टुगेदर, एक दूसरे के लिए ताली बजाना बहुत ज़रूरी है। कभी हम अवार्ड देते हैं, कोई और दूसरा अवार्ड ले जाता है, पर इनको इतना भी सीरियसली ना हो कि दिल में यू नो क्लेश हो जाए या आपको दुख हो या कुछ। पर जिस साल आप जीतते हैं बहुत अच्छा लगता है, जब कोई और भी जीते तो ताली बजा के निकल जाइए, क्या है उसमें। कौन से फिल्म के लिए आपको दिल में क्लेश हुआ था कि यार मुझे मिला नहीं? नहीं, आई रिमेम्बर भूल भुलैया के वक्त मुझे नॉमिनेट नहीं किया गया था और मैं बहुत दुखी हुई थी क्योंकि सब मुझसे कह रहे थे कि अरे परफॉर्मेंस बड़ा ज़बरदस्त है और फिर नॉमिनेट ही नहीं किया था, तो आई रिमेम्बर मुझे थोड़ा सा झटका लगा था, पर मैं पार्ट ऑफ लाइफ। कमर्शियल अवार्ड की बात करें तो नेशनल अवार्ड्स को काफ़ी क्रेडिबल माना जाता है और आपने भी जीता है, तो कंगना ने भी रिसेंटली बयान दिया था कि अगर उनको मणिकर्णिका के लिए अवार्ड नहीं मिलेगा तो शी क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीवन एल्सस कमेंट। एक और सवाल ये आ रही है कि आप इंदिरा गांधी की बायोपिक कर रहे हैं, तो इस पर ये बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं इंदिरा गांधी पे वेब सीरीज करने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिलहाल तो वो एक कोशिश है, देखते हैं यू नो क्या होता है, बिकॉज अ सीरीज इज़ अ लॉट ऑफ वर्क और बहुत लोग साथ में जुड़ते हैं, फिल्म से भी ज़्यादा, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पर जब करूँगी तो अच्छे से करूँगी इंशाल्लाह। जी वो फिलहाल तो कुछ भी बता नहीं सकती। जितनी फिल्म नॉमिनेट हुई है इसके बाद आपको लगता है कि कोई ऐसी फिल्म जो आपको अच्छी लगी थी इसको होना चाहिए था नॉमिनेट, कोई ऐसी फिल्म जो छूट गई हो? जब मैंने नॉमिनेशंस देखे तो लगा कि अच्छे ही यू नो फिल्म्स को परफॉर्मेंसेस को नॉमिनेट किया गया है हर कैटेगरी में। आई डोंट थिंक लोग मानना क्रेज प्री छूट गया, सलमान खान सर बुरा मान सकते हैं क्या? थैंक यू गाइस चलो चलो आगे चल 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 मैं गिरूंगी चल आगे जल्दी चल जल्दी थैंक यू। आई थॉट यू सेड ऑन सोशल मीडिया आई डिड।